है गाइज इन वेलकम बैक टू वन एम और महज दस दिन रह गए हैं प्रीमियर लीग सीज़न शुरू होने में और भाई दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे वो लास्ट ईयर के जो हॉरर है ना वो पहले मैच डे के दूसरे मैच डे के वो जहन में वापस से ताज़ा होने शुरू हो गए हैं और अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो भाई अभी भी हमने रेसम्स हॉलैंड की डील जो है वो ऑफिशियल अनाउंस नहीं की है उसका भी इंतज़ार है मेसन ग्रीनवुड के बारे में भी ये अपडेट फेबर ने खुद दी है बाकी रिपोर्टर्स जो हैं टी ए वन वो भी ये बोल रहे हैं कि चौदह तारीख से पहले और हो सकता है हो सकता है आपको एक दो दिन के अंदर ही मेसन ग्रीनवुड के ऊपर एक कंक्रीट न्यूज सुनने को मिल जाए लेकिन अपने बारे में बात करने से पहले थोड़ा राइवल्स के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार सामने वाले खेमे में चल के आ रहा है तो भाई देखो मैन सिटी आई एव ऑफलोडेड मतलब ऑफलोडेड क्या उन्होंने जाने दिया है गुंडोगन को बार्सिलोना एंड मार भी अब सऊदी लीग जा चुके हैं यहां पर बर्नाडो सिल्वा के सर पर भी तलवार लटकी रही है मतलब वो खुद जाना चाहते हैं ऐसा नहीं तलवार लटक रही है एंड जॉ कैंसेलो इज मूविंग टू बार्सलोना मोस्ट प्रोबली अब यहां पर इतने सारे आउटगोइंस के बीच में अभी मैन सिटी ने सिर्फ दो साइनिंग्स की हैं एक जो ऑफिशियल हो चुकी है गोवचेज की और एक जोस्को ग्वाडियोल की डील जो कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में सबसे कॉस्टलीस्ट डिफेंडर बन चुके हैं नब्बे मिलियन मतलब इससे पहले हैरी मेग्वायर थे और हम सबको पता है भाई जोस्को ग्वाडियोल इज जस्ट ट्वेंटी तो एक यंगस्टर के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करना क्या सही होगा या नहीं वो हमें वक्त रहते पता चलेगा लेकिन जो मैन सिटी का ट्रांसफ़र रिकॉर्ड रहा है ना उनकी ट्रांसफ़र साइनिंग्स जितनी भी जो ओवर पे करके वो लेकर आते हैं या फिर वो जो क्वेश्चन अपना जो है वो ब्रीच करते हैं अगर तो उनके ऊपर उनका ट्रस्ट होता है और हमने देखा है कि ग्रीलिश भले ही फर्स्ट सीजन में उतने अच्छा नहीं थे लेकिन लास्ट ईयर जब उन्होंने ट्रेबल सीजन में अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप करनी शुरू की तो इट एक्चुअली हेल्प्ड मैन सिटी विद ईच गेम कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ अब देखो एक ऐसी टीम जिसके पास ऑलरेडी नाथन ए के रूब इंडिया जॉन स्टोन्स एमरिक लपोर्ट और आपके मैनल अकानजी हैं तो उनके बीच में एक छठा सेंटर बैक आना अपने आप में एक इस चीज़ की निशानी है कि भाई वो कॉम्पिटिशन लेवल जो है ना विद इन द स्कॉड कितना राइज करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली वो भी एक बात है कि आपको ना हर साल जीतने के बाद स्कॉड रिफाइन करना पड़ता है क्योंकि वो जो प्लेयर्स जीत चुके हैं हो सकता है उनके अंदर वो मोटिवेशन फैक्टर जो है वो थोड़ा ड्रॉप हुआ हो तो जब नया प्लेयर आएगा तो वो उनको उनकी लिमिट तक पुश करेगा डेफिनेटली आपको एक थोड़ा सा अलग सेट ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा और अलग सेट ऑफ क्वालिटी भी मिलेगी अब यहाँ पर अगर मैं वहीं देखूँ कि दूसरी तरफ चेल्सी क्या कर रही है तो देखो मैन सिटी के लिए इस सीज़न में जब उन्होंने कोवचेज को साइन कर लिया चेल्सी से तो उनकी मिडफील्ड थोड़ी सी बैलेंस हो गई क्योंकि उन्होंने गुंडोगन का रिप्लेसमेंट लिया है नॉट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बट स्टिल अ बेटर बॉल कैरियर गुंडोगन वॉज नॉट अ बॉल कैरियर बट गुंडोगन वॉज अ प्योर गोल स्कोर अगर आप क्लच मोमेंट्स की बात करो तो और एक वो होता है ना कि आपको एक प्लेयर चाहिए जो राइज अप टू ओकेजन वाला प्लेयर हो तो वो था गुंडोगन अब यहाँ पर कोवचेज वो आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा कर पाएंगे या नहीं वो तो मैं वक्त रहते पता चलेगा लेकिन हाँ अगर चेल्सी के बारे में बात करें दे हैव साइंड अ गोलकीपर फ्रॉम ब्राइटन अब उनको ब्राइटन से प्लेयर लेकर भी आना है दैर गोइंग टू बे ट्वेंटी फाइव मिलियन टू ब्राइटन इस गोलकीपर के लिए रॉबर्ट सैनचेज केपा के कॉम्पिटिशन के तौर पर उसको लाया जा रहा है अब देखो ही इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर बट ही कैन चैलेंज केपा वेरी वेल well, क्योंकि स्पेन नेशनल टीम में भी केपा के ऊपर प्रेफर किया गया कुछ मैचेज में रॉबर्ट सैनचेज को वैन लुइस एंड्रिक वॉज द मैनेजर तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि चेल्सी क्या करना चाह रही है चेल्सी अभी इस वक्त पर एक स्क्वाड ऐसा बिल्ड करना चाह रही है जो कि आने वाले तीन सीजन में ना उनको एक वर्ल्ड चैंपियन मतलब एक जो प्रीमियर लीग चैंपियन टीम होती है वो प्रिपेयर करके दे पाएँ एंड यंगस्टर्स के साथ काम करने के लिए अगर आपको एक मैनेजर चाहिए है तो वो मुरस्यो पॉचिटिनो है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि स्पर्स में भी उन्होंने यही किया था एंड दैट्स वाई स्पर्स वॉज एबल टू प्ले चैंपियंस लीग फाइनल एंड वो लगातार चैम्पियंस लीग खेल पाए थे सीजन दर सीज़न एंड अगर आप देखोगे तो पॉचिटिनो के जाने के बाद से स्पर्स हैजन बीन द सेम कॉन्फेंस लीग खेली है यूरोपा लीग खेली है जीते वो भी नहीं है उसमें भी नहीं जीते हैं बट स्टिल जब पॉचडिनो मैनेजर थे तो स्पर्स का कॉम्पिटेटिव लेवल थोड़ा अलग था वही चीज़ यहाँ पर कोशिश की जाएगी चेल्सी के साथ करने की कि भाई चेल्सी को पहले कॉम्पिटेटिव बनाया जाए उसके बाद फिर जो टाइटल जीतने वाली जो एक शुरू होती है घड़ी वो वो आ, उसके लिए अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर देखो अभी मिडफील्ड तो इशू है ही चेल्सी के लिए और उस पर अभी उन्होंने किसी और प्लेयर से लिंक बनाई नहीं है आई थिंक कायसी के अलावा वो किसी को चाहते भी नहीं है विच इज़ क्वाइट शॉकिंग कि अगर काइसी की डील डिले होती है तो कितना और इनको मतलब सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि सीजन जितना नज़दीक आ रहा है उतना ज़्यादा आपको पता है कि आपका पहला मैच डे लेरपूल से है तो लिवरपूल तो अपनी टीम बना रही है लिवरपूल ने तो अपनी टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है लेकिन क्या चेल्सी मिडफील्ड बिना स्ट्रॉन्ग किए वहाँ पर लिवरपूल को चैलेंज कर पाएगी पहले मैच डे में और शुरुआत बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी फिर वो मोमेंटम कभी बन ही नहीं पाया और आप कभी विनिंग रन पे जा ही नहीं पाए तो वो चीज़ अब यहाँ पर चेल्सी को देखनी है कि शुरू के छः मैचेस पाँच मैचेस में उनको कम से कम तीन विक्ट्रीज तो निकालनी ही निकालनी है क्या बट क्या वो बिना मिडफील्ड अपग्रेड किए होगा पॉसिबल क्योंकि गैलेगर है ठीक है ही कैन प्ले इन दैट पेवेट रोल बट एन्जो फर्नांडिस आपका डीप लाइंग वो नहीं खेल सकता मिडफील्डर के तौर पर ही लाइक्स टू प्ले अ बिट अपिटअप फ्रंट बॉल कैरी करेगा फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व होगा थोड़ा क्रिएटिव डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होगा जितना डीप खेलेगा उतना ज़्यादा उसका गेम जो है वो सफर करता है तो उस रिगार्ड से अगर आप देखो तो डेफिनेटली चेल्सी नीड्स टू बाय अ होल्डिंग मिडफील्डर बट इस टाइम पर काइसीदों तो के अलावा वो किसी से लिंक है भी नहीं बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो हमें बहुत बड़ा झटका लगा है पहली बात तो कि हमारे दो यंगस्टर्स जो कि टेनहेक के प्लान में है और वो प्री सीजन टूर पर इन्वॉल्व भी किए गए बट अनफॉर्चुनेटली इंजरीज के चलते उनको प्री सीजन टूर से बाहर होना पड़ा और अब अमा डियालो और आपके कोबी भी दोनों फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न मतलब अक्टूबर तक के लिए आपके अब हमारी टीम में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे बिकॉज उनकी जो इंजरी है वो सीरियस है और उनको प्रॉपर रिकवरी टाइम चाहिए है तीन महीने का तो यहाँ पर अब देखो जिस मिडफील्ड की हम बात कर रहे थे चेल्सी के बारे में वही एक हमारे लिए भी इशू बना हुआ है अब हमारे लिए प्लेइंग एलेवन का इशू नहीं है लेकिन हमारे लिए बैकअप ऑप्शन के तौर पर बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हुआ है कि कैशमीरो ने लास्ट ईयर आठ या नौ गेम मिस किए थे आपके प्रीमियर लीग सीज़न में और उसकी वजह से जब हमारे क्रूशल मैचेस आए थे तब हम उन मैचेस में विक्ट्रीज ही निकाल पाए थे क्योंकि हमारी बैलेंस नहीं थी मिडफील्ड अब यहाँ पर अगर हम एक बैकअप नहीं साइन करते हैं सी के तौर पर जैसे कि सोफिन आमराबाद के लिंक्स आ रहे हैं लेकिन हमने अमराबाद के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल बिड नहीं डाली है और यहाँ पर आपको पता है कि कोबी मेनो को मौका इसीलिए दिया जा रहा था क्योंकि वो सी डी एम पोजीशन पर कोबी मेनो को ट्राई करने की सोच रहे थे एंड देखो बहुत हाई रिगार्ड करते हैं यहाँ पर रेट करते हैं यहाँ पर कोबी मेनो को टनै और इसीलिए आपने बेंच होते देखा है कि ऐसे को प्रीसीजन टूर पे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आएगी कोबी मेनो के ऊपर तो ही बी एबल टू फ्लरिश और नॉट और हमने आसन वाले गेम में देखा था ही वॉज टॉप नॉच बट बात वही है कि फिर मड्रिड वाले गेम में ही गॉट इंजर्ड एंड देन हम सबको पता है वॉट हैपन आई थिंक मड्रिड वाला गेम था और डॉट वाला गेम था I, I, मतलब आई डोंट रिमेंबर द गेम एग्जैक्टली बट ही गॉट इंजर्ड एंड फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए अब यहाँ पर देखो कल हमारा मैच है लेंस के साथ और फिर हमें परसों खेलना है एथलेटिक बिलबाओ के साथ और फिर उसके बाद सीधा हमारा कैंपेन शुरू होगा यहाँ पे आपकी वूल्स के अगेंस्ट प्रीमियर लीग सीज़न के अंदर अब यूनाइटेड के लिए ये वीक बहुत क्रूशल इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे बड़े डिसीजंस लेने हैं जैसे कि आउट की अगर हम बात करें तो फ्रेड के लिए जो आस्किंग अमाउंट उनका सेवन सेवनटीन मिलियन पाउंड्स था वो उन्होंने घटा कर बारह तेरह पाउंड कर दिया बारह तेरह मिलियन पाउंड कर दिया है वो एक यहाँ पर अब समझने वाली बात है और बताया ये जा रहा है कि पर्सनल टर्म्स एग्री वगैरह होने के बावजूद यहाँ पर गलत आश्रे आपकी अभी नेक्स्ट बिड लॉन्च करने को तैयार नहीं है एंड यहाँ पर फुलम वगैरह इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई ऑफिशियल बिड नहीं है कोई ऑफिशियल अप्रोच नहीं आया एंड कुछ इटालियन क्लब्स में लेजियो वगैरह जैसे जो कि फ्रेड में इंटरेस्टेड है अब हमारे लिए आउट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम आउट नहीं करेंगे तब तक हम अगला प्लेयर जैसे कि एक हेफ्टी फी वाला लेट्स से कि अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हो लेट्स से गोरेस्का क्योंकि आप लिंक हो गोरेस्का से राइट पहली बात तो यह कि मुझे गोरेजका के लिंक समझ में नहीं आ रहे वाई यूनाइटेड वॉन्ट टू साइन लियन गोरेजका यू ऑलरेडी हैव ए यू ऑलरेडी हैव मेसन माउंट इन दैट पोजिशन तो अब एक और प्लेयर उस पोजिशन पर लाने का मतलब समझ में नहीं आता हमारी प्रायोरिटी अभी एक कैसमीरो का बैकअप या कॉम, कॉम्पिटिशन लाने की होनी चाहिए रायर देन साइनिंग अ बॉक्स टू तो बॉक्स मिडफील्डर यास कैन प्ले इन द डबल वेविट रोल ही इज वेरी फिजिकल आई मतलब वी ऑल नो कि गोरेस्का क्वालिटी है बट देन अगेन अगर आप 60 मिलियन मिसन माउंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो आपके पास एरिक्सन ऑलरेडी है तो फिर आप एक और यू नो सेंटर मिड प्लेयर में क्यों इन्वेस्ट करोगे और अगर करना ही है लेट्स से कि अगर मेसिन ग्रीनवुड नहीं अभी यहाँ पर यूनाइटेड के स्क्वाड में इन्वॉल्व होंगे तो फिर यू शुड साइन अ बैकअप स्ट्राइकर एज वेल जैसे कि आप मैं तारीमी के बारे में बोल सकते हो कि वो लिंक था अब एकदम से हवा हवाई होगी वो न्यूज तो या तो फिर ये बोल लो कि मिसिन ग्रीनवुड इज कमिंग दैट्स फॉर श्योर क्योंकि आप माँ की रिपोर्ट पढ़ो आप बाकी सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ो और जो अप, आपको दिख रहा है कि मेसन ग्रीनवुड आपके फोटोज खिंचवा रहे हैं आपकी बाकी प्लेयर्स के साथ यूनाइटेड का स्टांस काफ़ी सॉफ्ट हो गया है तो उस केस में ये तो बोला जा सकता है कि भाई हो सकता है मेसन ग्रीनवुड रिटर्न करने वाले हो लेकिन उस केस में फिर एक्स्ट्रा मिडफील्डर मतलब डिफेंसिव मिड पोजिशन को छोड़ के सेंटर मिड पोजिशन साइन करने का आई डोंट अंडरस्टैंड और साथ ही साथ ये भी है बात कि भाई वेजेस भी काफ़ी ज़्यादा है गोरेजका के बैकअप के तौर पर आप क्यों गोरेस्का को लेकर आना चाहोगे या तो फिर वो आपका हर मैच खेले और हर मैच नहीं खेले कम से कम अड़तीस में से बीस मैच तो खेले बट फिर आपने मेसन माउंट के ऊपर इतना पैसा खर्च क्यों किया उसको इतने हेफ्टी वेजेस क्यों दिए वो एक पॉइंट है उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करो तो वेस्ट हैम अभी भी इंटरेस्टेड है आपके स्कॉट मैकटॉम और हैरी मैगवायर में लेकिन वेस्ट हैम ने अभी तक कोई बिड नहीं लॉन्च की वो हैरी मैगवायर के लिए इकलौती बिट जिन्होंने बीस मिलियन की डाली थी उसके बाद उन्होंने अप्रोच वापस से किया नहीं हमें और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसीलिए वो कॉनर गैलेगर के ऊपर फोकस कर रहे हैं बिकॉज गैलेगर उनका जो है लेट्स कि अगर आ जाता है तो ही कैन प्ले इन दैट डेकलिन राइस वाला रोल एज वेल ही कैन प्ले इन दैट अपफ्रंट वाला रोल एज वेल मैकटोम मतलब मॉइस लाइक्स मैकटॉम बट क्योंकि यूनाइटेड का आस्किंग प्राइस उनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा और उनको दो प्लेयर एक ही क्लब से चाहिए तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है अगर हम वर्सीटैलिटी की बात करें तो स्कॉट मैकटॉम ने ज़्यादा वर्सेटाइल तो नहीं है कौन है क्योंकि स्कॉट मैकटॉम ने कैन प्ले एनी आप अगर सेंटर बैक की बात करो खेल सकता है राइट बैक की बात करो खेल सकता है डिफेंसिव मिट की बात करो खेल सकता है बॉक्स टू बॉक्स की बात करो खेल सकता है इवन ही कैन प्लेज नंबर नाइन है नंबर टेन एज वेल तो ही इज अ कंप्लीट पैकेज जो कि एक वेस्ट टाइम जैसी मिड टेबल टीम को जाकर बेटर बेटर करेगा और उसमें कोई दो राय नहीं और यहाँ पर देखो हमने लिंगार्ड के, के केस में भी सेम चीज की थी कि वेस्ट टाइम ऑफर लेकर आई थी हम ज्यादा ग्रीडी हो रहे थे और फिर हमने लिंगार्ड को फ्री एजेंट के तौर पर जाने दिया आई थिंक यूनाइटेड को अब यहाँ पर सबक लेना चाहिए कि भाई नहीं हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते राइट right? तो ये कुछ मतलब न्यूज़ थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एंड डेफिनेटली सीजन जितना नज़दीक आ रहा है उतना ज़्यादा प्रेशर है स्कॉड को बेटर करने का एंड डेफिनेटली यूनाइटेड अभी तक हॉलैंड की डील पर वर्क कर रही है लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है बहुत ही क्रूशल गेम भी मतलब ये वीक है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि हमारे क्या डिसीजनस होंगे पर्टिकुलर प्लेयर्स को लेकर जो इन्स और आउट होने वाले हैं एंड डेफिनेटली मेसन ग्रीनवुड की न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट बटोरने वाली है अब एक चीज़ ये हो सकती है कि मेसन ग्रीनवुड की जब न्यूज़ आए तो शायद बहुत ज़्यादा आउटरेज आए सोशल मीडिया के ऊपर और इसीलिए हॉलैंड की डील को उसके बाद यहां पर लॉन्च किया जाए बट यू नेवर नो बट आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से ये जॉस्को गार्डियोल की डील सिटी के लिए कितनी बेनिफिशियल होने वाली है एंड आपको क्या लगता है सिटी अब यहां पर राइट विंग के तौर पर किसको साइन करेगी क्योंकि अब मारे जा चुके हैं बर्नाडो सिल्वा भी जा सकते हैं एंड ऑब्वियसली बात है कैंसिल हो तो जा ही रहे हैं तो यहां पर राइट बैक तो नहीं साइन किया है आई डोंट थिंक वो करेंगे भी क्योंकि जॉन टोन्स को उस पोजिशन पर खेलने में कोई अब वो नहीं है प्रॉब्लम एंड वॉकर भी बाहर मिल जा सकते हैं तो डिफेंस स्ट्रांग होने के साथ साथ थोड़ा सा वीक भी हो रहा है बट एट द सेम टाइम राइट विंग एक एक अच्छा एरिया है जहाँ पर वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो अभी आपके पैलेस वाली जो ओलीसे वगैरह हैं उनसे लिंक भी हैं तो वो बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में और चैलसी के ऊपर आपकी क्या राय है वो बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में एंड आपके हिसाब से यूनाइटेड की सीजन की शुरुआत कैसे होगी और आपको क्या लगता है कब तक हॉलेंड की डील अनाउंस कर देंगे और क्या और ग्रीनवुड की न्यूज जो है वो एक ही साथ अनाउंस की जाएगी जस्ट टू रिड्यूस दी दउटरेज ऑन सोशल मीडिया एंड विद दैट आई टेक अ लीव मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक गुड बाय टेक केयर सायोनरा अब द फ़किंग राइट ग्लोरी ग्लोरी मैन यू